नमस्कार, साहित्य तक ये बुक कैफे की एक दिनी किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं मुकुंद लाठ की पुस्तक प्रासनिक के साथ उपस्थित हूँ। मुकुंद लाठ उन दुर्लभ विद्वानों में हैं जिनकी विद्वता और चिंतन का वितान विचार परंपरा आधुनिकता धर्म चिंतन सौंदर्य शास्त्र संगीत ललित कला सभी से होकर गुजरता है। वे अपने कुछ मूल आग्रहों के बावजूद खुले चित्त के व्यक्ति थे और विनोद भाव से संवाद परक भाषा में अपना चिंतन अंकित करते थे। उनकी जिज्ञासा, उनकी प्रश्नवाचकता और उनकी स्मृति हमेशा उदग्र रही और इस पुस्तक में शामिल उनके हर निबंध हमें कुछ न कुछ विचारोत्तेजक बातें बताते हैं, कुछ न कुछ नई दृष्टि के लिए उकसाते हैं और हमारे ज्ञान के भूगोल को विस्तृत करते हैं। यह बात अशोक वाजपेयी ने लिखी है, जो जाने माने कवि कलाविद हैं और रजा फाउंडेशन के न्यासी के रूप में वे हिंदी साहित्य में उन भूले बिसरे या महत्वपूर्ण कृतियों व्यक्तित्वों विधाओं पर पुस्तकें प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता आज के साहित्य कला और संस्कृति जगत को बहुत अधिक है। मुकुंद लाठ 1937 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ। संगीत में उनकी विशेष प्रवृत्ति थी जो जीवन भर बनी रही। पंडित जसराज के शिष्य हैं और अंग्रेजी में बीए ऑनर्स के बाद संस्कृत से उन्होंने स्नातकोत्तर किया। पश्चिम बर्लिन गए, वहाँ संस्कृत के प्राचीन संगीत ग्रंथ वहाँ पे दलितम का अनुवाद और विवेचन किया। भारत लौटकर फिर उन्होंने इस पर पीएचडी कर ली। 1973 से 1997 तक राजस्थान विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग में उन्होंने काम किया। भारतीय संगीत नृत्य नाट्य कला साहित्य चिंतन पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और यशदेव शैली के साथ दर्शन प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठित पत्रिका उन्मिलन का संपादन और उसमें नियमित लेखन करते हैं। यह पुस्तक उनके चिंतन और विचार वितान को बढ़ाती है। वह चिंतन विविध विषयों पर है। किन विषयों पर है मैं बता दूं, उनमें हिंदी में विचार कहाँ से पैदा हुआ और हिंदी में उसकी क्या भावभूमि है, क्या व्याप्तता है, किस रूप में उसे दर्ज किया जाता है। अंत और आरंभ न किसी आदि में न अंत में, हम निरंतर मध्य में हैं। यह बात भी उनके विचार और चिंतन को एक नई दृष्टि देता है। वह कहते हैं, मैं और हम के बीच का क्या अंतर है, मैं और हम के अलावा जीवन और मृत्यु के बीच क्या अंतर है। वाकई हम जब मर रहे होते हैं तो उठा लिए जाते हैं, यानी हम मध्य में होते हैं। जीवन के क्रम को हम किस रूप में देखते हैं, इस पर दार्शनिक अंदाज में उन्होंने अपनी बात लिखी है। वर्ण का प्रश्न क्या इच्छा का प्रश्न है, यह अध्याय भी इस पुस्तक में शामिल है। इसके अलावा वैष्णव पदावली के प्रतीक, ये अलग अलग अध्यायों में शामिल शीर्षकों से जो बात लिखी गई है मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। गांधी जी की धर्म प्रतिज्ञा पर उन्होंने लिखा है कि गांधी जी के लिए धर्म का क्या अर्थ था और धर्मों की तुलना पर कुछ प्रारंभिक विचार क्या हो सकते हैं, यह भी इस पुस्तक में शामिल है। एक अध्याय है इस बात पर कि क्या क्षत्रिय ही राजा हो। सौंदर्य लहरी एक पुरानी अनुस्मृति पर नृत्य में आलाप, यह इस खंड में सौंदर्य लहरी के तहत नृत्य का कला का क्या भावभूमि है, उसकी प्राचीनता क्या है, उस पर जितने चिंतन हैं, संस्कृत में क्या कुछ है, हिंदी में क्या कुछ है, उस पर यह बात बताती है। इसके अलावा निद्रा सूत्राणी एक खंड है। पांचवा भाग जो है साक्षात्कार पर आधारित है, मंजरी सिन्हा के साथ संवाद। कुमार जी पर जो दो शब्द है वह भी इस पुस्तक में शामिल है। और संगीत और विचार क्या है, किस रूप में उनका अर्थ है, यह भी बताता है। जब वो चिंतन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, गांधी जी की धर्म प्रतिज्ञा की बात करते हैं, तो इस पुस्तक में लाठ शूद्रों को लेकर, भारत की जो वर्ण व्यवस्था है उसको लेकर, जातियां कितनी हैं और जातियों के बीच उपजातियां कितनी हैं,
वर्ण का क्या मतलब था, हमारे स्मृतिकारों ने क्या किया, जाति भेद और गुण कर्म में क्या भेद है, और इस व्यवस्था की जो जटिलता और विविधता है उसकी क्या स्थिति है। साधारण शूद्र और शूद्रों में भी शून्य से नीचे और मनुष्य और मनुष्य और पशुओं के बीच में भी कोई एक वर्ग उपस्थित था, उसकी भी बात करते हैं। अशुद्ध और पतित की भी बात करते हैं संस्कृत के तमाम श्लोकों के साथ, और गांधी जी के शास्त्रार्थ की एक इच्छा के साथ जो लक्ष्मण शास्त्री के साथ उनका हुआ था, उस पर यह पुस्तक आधारित है, यह अध्याय आधारित है। पुस्तक चिंतन की एक विराट पक्ष को रखती है हमारे सामने, विचार को, चिंतन को और भारतीय दर्शन को, काफ़ी हद तक हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृति से जुड़े विविध पक्षों को भी रखती है। इस पुस्तक को रजा फाउंडेशन के सहयोग से सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 304 पृष्ठों की यह पुस्तक है, मूल्य इसका 400 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।